नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। इस वक्त की बड़ी खबर शाहजहांपुर से आ रही है। यहां पर शाहजहांपुर की 3 नगर पालिका के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भाजपा ने कर दी है। यहां पर पुआया, तिलहर और जलालाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भाजपा ने की है। पुआया क्योंकि सामान्य सीट थी, यहां पर संजय गुप्ता पर भरोसा जताया है भाजपा ने। तो वहीं तिलहर की पिछड़ा वर्ग महिला सीट पर निर्मला गुप्ता और शाहजहांपुर की जलालाबाद नगर पालिका से सामान्य सीट पर मनमोहन द्विवेदी के नाम पर भाजपा ने मोहर लगाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम मिशन के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर जलालाबाद, तिलहर और पुआया के नगर पालिका के अध्यक्ष पदों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भाजपा ने कर दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर नगर निगम के प्रत्याशी के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि समाजवादी की प्रत्याशी जो कि अर्चना वर्मा मेयर पद की प्रत्याशी थी, उनके समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद इस बात के कयास है कि वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। ये बड़ी और अहम जानकारी है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, लेकिन क्या वो मेयर पद की प्रत्याशी होंगी इस पर अभी इसी तरीके की कोई भी घोषणा अभी तक भाजपा की ओर से नहीं की गई है। वहीं पुआया, तिलहर और जलालाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा ने कर दी है।